हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि डेडपूल और वुल्वरीन एमसीयू को सही में बचा सकते हैं कि नहीं। तो ये थ्योरीज आ रही थी कि फ्यूचर में जो होने वाली वॉर्स होंगी, जैसे कि कैंग वॉर्स, म्यूटेंट के साथ वॉर, तो इन सब के लिए डेडपूल ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो ठीक, वरना खराब तो हो ही जाएगा। तो जैसा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में देखा था कि टीवी उसे अलग अलग स्टोरी लाइन में जाके उसे सब कुछ ठीक करने के लिए बोलते हैं, जिसमें वेट को बहुत लोगों को मारना पड़ेगा एमसीयू को बचाने के लिए, क्योंकि डेडपूल 2 में उसने सब कुछ पास में चेंज कर दिया होता है। अब ट्रेलर में जो बैटल फील्ड दिखती है, जिसमें टीवी के कुछ सोल्जर्स लड़ रहे होते, वो एक्चुअल में स्ट्रगल का हाइड्रा बेस होता। और जब डेडपूल यहाँ पे है, तो एक थ्योरी सामने आ रही है कि वांडा की बैक स्टोरी एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो दिखाई गई थी कि स्ट्रगल उसकी पावर्स को और उसे मिराकल बोलता है, तो डेडपूल की टेंशन के हिसाब से वो इन सबको चेंज करके, उसकी बैक स्टोरी चेंज करके वांडा को एज अ म्यूटेंट प्रूफ करेगा। नेक्स्ट थ्योरी है बियॉन्डर्स के बैटलफील्ड की, जो मल्टीवर्स टाइम रियलिटी के बियॉन्ड है, जिसमें सारे हीरोज विलन्स को झोंक दिया जाता है कि अब तो लड़ना ही होगा। तो वहां से हमें एवेंजर्स के सीक्रेट वॉर्स के इनकर्शंस के बारे में पता चलेगा। फिर शायद हो सकता है कि वेट एक रियलिटी को खत्म करने के लिए दूसरी रियलिटी को जिंदा करे, और तब डेडपूल को अपनी ओरिजिनल स्टोरी लाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा, एक कॉमिक बुक के हिसाब से, जिसका नाम है डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स, और उसकी पूरी स्टोरी को वॉचर नरेट कर रहा होता है। अब इसमें वेट हीरो से शुरुआत करता है, जैसे कि फैंटास्टिक फोर में जो कैरेक्टर थी जिसका नाम है जॉनी और सू, तो इनको मारना, फिर फैंटास्टिक फोर में जो सारे लॉक प्रिजनर्स हैं या कुछ भी कह लो, फिर उनको मारना। बाद में डेडपूल को लैब से एक डिवाइस मिलता है, जिससे वो वॉचर को देख लेता, फिर उससे पूछता कि वो किससे बात कर रहा है, और बाद में वो वॉचर को भी मार देता है। आप लोग देख सकते हैं कैसे ये बंदा ब्लड बाथ पे उतर आया है। अगली बात यह है जो बहुत लोगों को लगती है कि डेडपूल और वुल्वरीन दोनों टक्कर के कैरेक्टर्स हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ हीलिंग फैक्टर, लेकिन इस कॉमिक में देखा जाए तो एक सीन होता है जिसमें डेडपूल के पास एक स्वॉर्ड होती है जो कार्बोनेडियम की बनी रहती है, और वो वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर को रिजिस्ट करती है, और इसी की हेल्प से डेडपूल वुल्वरीन को मार देता है। ये काफी चौंका देने वाली बात है, और शायद ऐसा हो सकता है कि फिल्म में इसे देखने को मिले। फिलहाल मूवी के ट्रेलर में आपने देखा ही होगा कि एक सबसे बड़ा प्रूफ था कि 2015 की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स वाली कॉमिक बुक ही रख दी, जो कि उसका एक प्रीलूड दिखता है टाइम्स रन आउट वाली कॉमिक बुक के हिसाब से, कि इल्यूमिनाटी का रोल टीवीए प्ले करेगा, और टीवीए की इंटेंशन रहेगी कि सारी रियलिटीज को डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि मेन वाली यूनिवर्स के साथ इंकर्जन ना हो। अगर नई डेडपूल में टीवीए ने इस स्टोरी लाइन को फॉलो किया तो डेडपूल इसके अगेंस्ट हो जाएगा और सेवियर बन के लड़ेगा सबसे। फिर यहीं से हमें टीवीए का डार्कर वर्जन देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके मन में एक इमोशन बिल्डअप हो जाएगा कि बहुतों को उन्होंने मार दिया, अलग अलग यूनिवर्स को खत्म कर दिया एंड नंबर ऑफ टाइम्स। और जब डेडपूल इसमें हीरो बनेगा तब टीवीए उसे वॉइड में फेंक देगा, जो कि ट्रेलर में दिख ही गया था। फिर वहां हमें थोड़ा क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, और फिर बाद में हमें वेट की नॉलेज के बारे में पता चलेगा कि उसे मल्टीवर्स के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे है। और अगर आप इस चीज़ के एग्जांपल के बारे में पूछ रहे हैं, तो डेडपूल के फर्स्ट पार्ट में जो ब्रिज फाइट वाला सीन था, और उसमें जब कोलोसस उसे पकड़ के ले जा रहा होता है, तब डेडपूल उसे पूछता है कि किस प्रोफेसर के पास ले जा रहे हो, फिर एक दो नाम भी गिनाता है, जैसे कि मैकाबॉय या स्टीलवर्ड। अब आपको ये स्टोरी लाइन थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग रही होगी। सी गाइज, डेडपूल इज अ मल्टीवर्सल बींग हु ऑलरेडी नोज अबाउट द रियलिटी। अब वो इतना नॉलेजफुल कैसे है, वही हमें इसकी फिल्म में देखने को मिलेगा। और ये सब मैसेकेयर थ्योरीज थी कि चीज़ें कितनी अगली हो सकती है। तो गाइज, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये स्टोरी लाइन ब्लडबाथ दिखाएगी या एक हीरोइक मूव जिसमें सब कुछ अच्छा होगा, हैप्पी एंडिंग होगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको शैतान फिल्म के बारे में जानना है तो मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे ऑल। बाय बाय।